रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण एवं उत्थान के लिए कृत संकल्प है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रही है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत बन सके। या और पैक्स की बिल्डिंग जो हमारी खराब हो रही है, उनकी रिपेयर है, उनका नया बनाने की तरफ नए तरीके से कंस्ट्रक्शन करना, ये सब काम पूरे जिले के अंदर चले हुए हैं और आगे भी जो भी विकास के कार्य हैं। अभी जैसे दलेन सिंह चौहान जी कह रहे थे कि पिछले साढ़े सात साल के अंदर जब से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप सब लोग टांगड़ी के लोग भी बैठे हैं, बाहर के लोग भी बैठे हैं, और टांगड़ी की आज से साढ़े सात साल पहले या यही हालत थी क्या, बताओ आप यही हालत थी क्या जो आज है? आज आपका मेरे ख्याल से जो गांव है शहर के बराबर हो गया है। कोई मेरे ख्याल से सड़क अच्छी नहीं आपकी, और इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं हमने टांगड़ी का जो ITI कितना बढ़िया ITI बनवाया हमने। ऑल हरियाणा PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन ने मांगों को लेकर जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया। जनस्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अभियंता द्वारा पिछले काफी समय से कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर कर्मचारियों में रोष है। ऐसा है, सरकार अधिकारियों के माध्यम से तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और सरकार की मंशा है अधिकारियों और कर्मचारी के बीच लड़ाई पैदा करे और जातियों और धर्म में बांट करके जो सरकार अपनी मनमानी पर तुली हुई है, जो जन विरोधी फैसले ले रही है, चाहे वो कर्मचारी विरोधी है चाहे मजदूर विरोधी है, उनसे ध्यान भटका करके और आपस में अधिकारी और कर्मचारियों को लड़ा करके और अपनी जो मंशा है सरकार की निजीकरण की पॉलिसी उसको सफल बनाना चाहती है। क्या मांगे आपके? हमारी मांगे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कैशलेस मेडिकल सुविधा देना और जो सबसे मेन मांग है, जो हमारे राज्य स्तर के जो पदाधिकारी हैं जिनको सस्पेंशन ऑर्डर किए हैं, वो सरकार का दल्ला जो अधिकारी है बैठा है प्रमुख अभियंता, तुरंत प्रभाव से 18 मई से पहले वो आदेश जारी करे, इनको बहाल करे और जो हमारी डिमांडें हैं 14 सूत्रीय मांग पत्र, उस पर विचार करे और जो हमारी मांगे हैं वो हमें हमारी जोड़ी में डाल दे। गांव दमदमा में स्कूली विवाद को लेकर 11 दिन भी छात्र छात्राओं का अनशन लगातार जारी रहा। इस मौके पर ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक ने वादा करके गांव के लोगों को शिक्षा मंत्री से नहीं मिलवाया और बच्चे यहां इस भयंकर गर्मी में सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अपनी आंखें मूंदे हुई बैठी है। 11वां दिन है ये और लगातार धरना जारी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये देखिए, सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने आकर के, सरकार चाहे वो शिक्षा मंत्री है चाहे उससे ऊपर को और मंत्री है चाहे माननीय सांसद, ये किसी भी नुमाइंदे ने आकर के हमारे इस बच्चों का दुख दर्द नहीं समझा है, ना हालचाल पूछा है। और इस धरने के उपलक्ष्य में 3 दिन पहले हमारे विधायक जी सोना हल्का ताड़ू यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने हमें खोखला और बड़ा झूठा आश्वासन दिया था कि वो हमारी जो मीटिंग है, हमारी जो कमेटी है, उन 21 सदस्य कमेटी की जो मुलाकात कराने जाते हैं चंडीगढ़ में बीते हुए कल, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल शब्दों मना कर दिया कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं, लेकिन माने जो शिक्षा मंत्री जी है वो स्थल पर नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, वो बाहर है। तो बिल्कुल खुला खोखला वादा था, झूठा वादा था और इन झूठे वादों से काम नहीं चलेगा। मैं सरकार के सभी जो ऊंचे वाले प्रतिनिधि हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, मैं उनको अपने गाँव की तरफ से आवाज देना चाहता हूं, आवाज बुलंद करना चाहता हूं कि साहब या तो इन बच्चों की सुधरी ले लें, कि अब समय बहुत ज्यादा हो चुका है, लगातार टेंट के अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी कड़ी 47-47 डिग्री टेम्परेचर पढ़ाई कर रहे हैं। पलवल के जटोला गांव में घर से बाइक पर ड्यूटी जा रहे एक 28 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड पर 11,000 हाई वोल्टेज की तार टूटकर गिर गई और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जटोला ततारपुर असावटी मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलने पर पलवल SDM वैशाली सिंह और जिला पुलिस की कई टीम भी मौके पर पहुंच गई, फिर भी कई घंटे तक जाम लगा रहा। तो दर्दनाक हादसा है जो बताया गया, उससे एक जवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसमें महकमे के अनुसार जो फाइनेंशियल असिस्टेंस बनती है उसको हम अभी औपचारिकताएँ पूरी करते हुए अभी इनको देंगे और कंपनसेशन भी मिलेगी और इन
व्यक्तियों की परिवार के सदस्यों की ये मांग है कि एक आदमी की नौकरी का भी तो हम जो जिसकी जिस हिसाब से योग्यता होगी उस हिसाब से स्ट्रॉन्गली इनका केस रिकमेंड करके मैनेजमेंट के पास भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि नौकरी लग जाए। रेवाड़ी में पिछले 40 दिनों से अधिक समय से घर पर बैठे शिक्षा नियम 134 से कि वंचित बेटियों के दाखिले नहीं होने, सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए टीसी की अनिवार्यता को खत्म करने, नियम 134 से के इस साल के आवेदन फॉर्म जल्द निकलवाने, वो 134 के तहत पहले से पढ़ रहे बच्चों से फीस और आय प्रमाण पत्र आदि मंगवाकर पेरेंट्स को परेशान करने पर रोक लगाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर छात्राओं ने अभिभावकों के साथ मिलकर शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजय शर्मा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया। ये हम पिछले 1.5-2 महीने से नियम 134 के जो वंचित बच्ची है, बेटी है, बच्चे है, उनका दाखिला सरकार ने अभी तक नहीं करवाया है। अधिकतर बच्चों का तो हो गया, लेकिन कुछ स्कूलों में आनाकानी चल रही है। इसके लिए हम लिखित शिकायत दे चुके, ज्ञापन दे चुके, धरना दे चुके, सत्याग्रह चला चुके, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मना केक काट कर उनका जन्मदिन भी मना चुके हैं, लेकिन सरकार कहीं सुनवाई नहीं कर रही है। इसके विरोध में आज पेरेंट्स और उनकी बेटियां, छोटी छोटी बेटियां परेशान होकर के आज मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का डीओ कार्यालय के बाहर उनका पुतला फूका है, पुतला दहन किया है और चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द उनकी बेटियों का दाखिला करवाया जाए, नहीं तो सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।